بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد सबक नंबर छ इस सबक में पांच अलामत हैं हिया, ही, ही, हु ये अलामत वाहिद मुदक्कर के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तर्जमा वो किया जाता है मसलन हु वो अल्लाह है। हुआ मऊला कुम वो तुम्हारा मौला है हुआ कुरआन वो कुरआन है हुआ जालिम उन वो जालिम है ये या। नामत या वाद मुन्नस के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तर्जमा भी वो किया जाता है ही आसो या वो मेरी लाठी है ही या है तुन वो सांप है ही जैजरातन वो एक डांट है ही या अहसानु वो बेहतर है एक बात याद रखिएगा कि अगर हुआ और या के बाद ऐसा इसमो कि जिसके शुरू में अल हो तो माना में ताक़ीद का मफहूम पैदा हो जाता है और इसका उर्दू तर्जमा करते हुए अमूमन ही का लफज इस्तेमाल किया जाता है जैसे इन इनिया का बेशक तेरा दुश्मन ही बेनामो निशान है अलमा बस बेशक जन्नत ही उसका ठिकाना है ही अलिया अल्लाह की बात ही बुलंद है एक बात याद रखिएगा कि ये दोनों अलामतें हुआ और हिया हमेशा अलग इस्तेमाल होती हैं इसमों फेलों और हर्फों के साथ ये नहीं आती ही ये दो अलामतें वाहिद मुजक्कर के लिए इसम फेल और हर्फ तीनों के आखिर में इस्तेमाल होती हैं इसमों के साथ अगर हु ही इसम के आखिर में हों तो उसका तर्जमा उसका उसकी उसके या अपना अपनी अपने से किया जाता है मसलन मसला उसके पास यानी उस मुजक्कर के पास रब हू उसका रब यानी उस मुजक्कर का रब अला रसूली ही अपने रसूल पर अला कब्री ही उसकी कब्र पर जन्न तू हू उसका बाना बा और ही दोनों एक ही मफहूम रखते हैं अलबत् को पढ़ना अगर मुश्किल हो तो उसे ही से बदल दिया जाता है अमूमन जब इससे पहले जेर हो तो हु को पढ़ना मुश्किल होता है जैसे बेहू हु, अब हु से पहले जेर है तो हु को पढ़ना मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए इसे ही से बदल दिया जाता है और इससे माना में कोई फर्क नहीं आता अफआल के साथ अगर हु या ही फेलों के आखिर में हो तो तर्जमा अमूमन उसे या उसको किया जाता है मसल यूकू हु वो रिस्क देता है उसे नुस्ली ही हम दाखिल करेंगे उसे उसने पैदा किया उसे नुवल्ली ही हम फेर देते हैं उसे उसेफ के साथ अगर हु या ही हर्फ के आखिर में हो तो इनका तर्जमा अमूमन उस या वो से किया जाता है मसलन अलैही ही उस पर इलैही उसकी तरफ इन्ना हु बेशक वो मिन उससे याद रखिए अगर हु और ही से मुतसिल पहले स्कून हो या इनको अगले लफज से मिलाकर पढ़ा जा रहा हो तो उल्टा पेश की बजाय सिर्फ पेश और खड़ी जेर की बजाय सिर्फ जेर इस्तेमाल होती है मसलन लहू अब यहां उल्टा पेश है लेकिन जब इसे अगले लफ्ज से मिलाया जाएगा तो यह सिर्फ पेश से बदल जाएगा लहुल मुल्कू बिही इसमें खड़ी जेर है लेकिन जब इसे अगले लफ्ज से मिलाया जाएगा तो यह सिर्फ जेर से बदल जाएगा बिहिल अर्दा मन इसमें उल्टा पेश है क्योंकि इससे पहले सुकून है तो इसलिए यह अब सिर्फ पेश से बदल जाएगा और कहा जाएगा मिनहू अरसिल हु, यहां यहाँ पर भी उल्टा पेश इस वजह से पेश में बदल जाएगा क्योंकि इससे पहले सुकून है अलई ही असल में था अलई ही क्योंकि ही से पहले सुकून है तो इसलिए यह सिर्फ जेर से बदल जाएगा तो मालूम हुआ कि अगर उल्टा पेश या खड़ी जेर से पहले अगर सुकून हो तो इसे सिर्फ पेश या सिर्फ जेर से बदल दिया जाता है और अगर उल्टा पेश को या खड़ी जेर को अगले लफज से मिलाया जा रहा हो तो भी सिर्फ पेश या सिर्फ जेर से बदल जाते हैं हा यह अलामत अमूमन वाहिद मुअन्नस और कभी जमा के लिए भी इस्तेमाल होती है और यह अलामत इसम फेल और हर्फ सब के आखिर में आ सकती है असमा के साथ अगर हा इसम के आखिर में हो तो तर्जमा उसका उसकी उसके या अपना अपनी अपने से किया जाता है रब्बुहा उस मुनस का रब रज उस उसस का रज आरबू उस की चौड़ाई उस का इल्म, अफाल के साथ अगर हा फेल के आखिर में हो तो तर्जमा अमूम उसे उसको और कभी उन्हें किया जाता है मसलन या अलाम हा वो जानता है उसे यू को हा वो रिस्क देता है उसे असर रहा उसने छुपाया उसे वजह तू हा मैंने पाया उसे यानी उस मुनस को नतलूहा हम पढ़ते हैं उन्हें आहया उसने जिंदगी दी उसे हरूफ के साथ अगर हा हर्फ के आखिर में हो तो उसका तर्जमा उस या वो किया जाता है मसलन फी हा उस मुनस में इन्ना हा, बेशक वो यानी बेशक वो मुआनस लाहा उस मुआनस के लिए मिन्हा उस मुआनस से